बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आसिया परवीन और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। अस्थावा बाजार स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में प्रखंड लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता में प्रखंड अध्यक्ष मुकेश पासवान ने की। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सत्येंद्र मुकुट ने कहा कि संगठन को पंचायत से वार्ड स्तर तक सक्रिय एवं मजबूत बनाया जाएगा। जिस पंचायत में कमेटी नहीं बनाई गई है वहां जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चा पर विफल है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि जन सरोकार के मुद्दे को मजबूती से उठाएं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। चिराग ही बिहार का समुचित विकास कर सकते हैं। वही प्रखंड अध्यक्ष मुकेश ने कहा कि लोजपा बिहार को प्रथम पायदान पर लाना चाहते हैं, बिहार के युवाओं की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की नई दिशा दे सकते हैं, हमें उनको मजबूत बनाना है। इस दौरान विश्वकर्मा कुमार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद, प्रखंड मीडिया प्रभारी अस्थावा प्रखंड प्रोफेसर अनिल पासवान, पंचायत अध्यक्ष कठहरी पद पर मनोनयन किया गया। बैठक में जिला अजीत कुमार, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ नालंदा रीना राज, जिला उपाध्यक्ष सरजुक पासवान, कोष अध्यक्ष चंदन पासवान आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। धन्यवाद। हमारे नेता भारत का भविष्य, बिहार और बिहारियों का धड़कन, गरीब वंचित अवशोषितों की आवाज़, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरे नालंदा जिला में प्रखंड लेवल पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और आगामी आने वाला 2024 और 2025 विधानसभा, 2024 लोकसभा की तैयारी मैं कर रहा हूं, जिसमें हमारे संकल्प है लोजपा चला गांव की ओर, इसलिए लोजपा चला है प्रखंड, प्रखंड से जा रहा है पंचायत, पंचायत से जा रहा है बूथ, बूथ से जा रहा है अपने समर्थक के पास। इसीलिए आज हम अपने प्रखंड अध्यक्ष मुकेश पासवान के अध्यक्षता में मैं ये आज संगठन बैठक किया, जिसमें हमारे सभी पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ कमेटी, लोजपा परिवार, सभी समर्थक हमारे इस मंच पर आज विराजमान हैं। यहाँ पर ही सभी लोग, मैं इन्हीं के साथ इनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी किया है, जिसमें मुकेश जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, सत्येंद्र पासवान का ध्यान देता हूँ, राजकुमार जी का ध्यान देता हूँ, मंटू जी का देता हूँ, इन्हें सिद्धेश्वर बाबू हैं, नील बाबू हैं, सुशलेश्वर पासवान हैं, तमाम हमारे साथ हैं। ये लोग जो एकदम सिपाही हैं, ये लोग लोजपा का फौज हैं और इन्होंने आज संकल्प लेके हमको दिखा दिया कि मैं आपका सिपाही हूँ, आपका फौज हूँ और फौजी का फौलाद है सीना, लाखों जुल्म सह जाएंगे, 2024 को जिताने के लिए जान चल जाए मगर 2024 में एनडीए लोकसभा को जिताएंगे, ये बात को लेके इन लोगों ने नारा लगाया है। और बहुत सी बातें आज बिहार सरकार के प्रति हम लोग को मिलने का आया कि आज न बिहार का मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा, जो आप लोग भी जानते हैं पत्रकार महोदय, कि नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मगर अफसोस कि मैं उसे मुख्यमंत्री के गृह जिला में हम लोग हैं जहां मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी कल के डेट में नूरसराय प्रखंड के एक पावापट्टी बच्चा गांव है, वहां एक बस से बच्चा गिर गया, उसको ब्रेन में चोट लगा, मैंने सदर हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों जगह भेजा, उसके बाद वर्तमान रेफर हुआ, एक भी न्यूरो डॉक्टर नहीं मिला, एक भी कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं मिला, एक भी ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं मिला, एक भी एमएस डॉक्टर नहीं मिला। बताइए कि जो वर्धमान कॉलेज, पीएमसीएच कॉलेज, आईजीएमएस कॉलेज, दरभंगा कॉलेज, गया कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज में अगर न्यूरो का डॉक्टर नहीं मिले, कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं मिले, तो बताइए वहाँ का स्टूडेंट जो पास आउट करके निकलेंगे वो क्या देख पाएंगे, कौन सर्जन, कितना अच्छे सर्जन हो सकते हैं, हैं जो फाड़ने का पेट फाड़ देंगे सीना, यही बिहार सरकार का हसीना, यही बिहार सरकार का हसीना। बैठक का मेन उद्देश्य हो गया, जिस तरह से हमारी सरकार की लाचार व्यवस्था रवैया है, इसके खिलाफ़ हम सभी संगठन बैठक कर रहे हैं
पूरी प्रखंड में जितनी भी हमारी पंचायत अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, सारे लोग एकत्रित हुए और हम सब लोजपा चले गाँव की ओर नारा लगा करके हम एक एक जन जन तक लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की विजन के पहुँचाएंगे और 2025 में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरह से भ्रष्ट हो रहा है प्रखंड जिला, इसके खिलाफ़ हम सभी को एक जनाधार और सारी नीति को बताना है कि हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जब आएगी तो हम लोग कितना स्वतंत्र आप सभी को देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार TV को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।